दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स बॉक्स पूरा भरा हुआ माल ये दुकान वाले लेके जाते हैं, जैसे गोरखपुर हो गया तो बोले दिल्ली ग्रेड में सीधा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मैं पहले ही क्लियर कर दिया, फिर से मैं बताना चाहूँ बॉक्स का माल देखिए इतना इतना अपने गोरखपुर में ले जाकर साइज चार्ज बता उसी एक्सेल से है उसका रेट जी। इसमें डिब्बे वाले इतना सारा भरा मोबाइल पूरा देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं ROG 3 ASUS का होता है। अच्छा ये हमारे यहाँ निकल जाता है मात्र 22,000 रुपए का। अच्छा आईफोन 12 है, 12 मिनी, ये 12 मिनी है, मेरे में निकल रहा है 22,500 रुपए। सेकंड पे आ जाइए, ये नोट 10 है, MI Note 10, ये P4 में जाएगा तो 5,900 होगा, 3,000 रुपए से कम का रेट नहीं मिलने वाला प्रॉफिट। अच्छा अच्छा, तो जब 2-3 हज़ार रुपए 2-2.5 हज़ार रुपए कम हम होलसेल में माल दे रहे हैं सर, मेरा 500 हक बनता गारंटी मांगोगे तो और तरीके से मिलने वाला। और जो भी सिस्टम है सारा कंपनी के यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं कि लोग पर्सनली अपना कुछ करें, सारा कंपनी के हिसाब से हो रहा है। अब देखिए 9A MI 9A 3200 रुपए का। अच्छा, डिब्बे में फ्रेश फोन है, अरे निकलता कंपनी बेस पे आपको बिल्कुल 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 ये आपको एस टाइप मिलने वाला है, जरूरी नहीं डिब्बे में, P4 में है। और सेम यही काम दिल्ली वाले करते हैं, जाहिर सी बात जो हमारे पूर्वी क्षेत्र है, गोरखपुर हो गया, बिहार साइड हो गया, देवरिया हो गया, इधर से लोग आते दिल्ली जाते थे, तब कह सकते हैं अब जाने की जरूरत। कैसे हैं आप सभी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों आज मैं गोरखपुर से चल के आ गया हूँ लखनऊ में। आप सोच रहे होंगे लखनऊ क्यों आए, आपको बताते चलूं, हमारे भाई लोग का बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि भैया मोबाइल सेकेंड हैंड में कहाँ मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली मैं दिखाने वाला हूँ दिल्ली के रेट में, अब आपको लखनऊ में मिलने वाला होलसेल प्राइस में। यहाँ आप सबसे डायरेक्टली लोग खरीदते हैं और सीधे बीच में कोई माध्यम नहीं होने वाला, सीधे डायरेक्ट आपके पास जाने वाला। जैसे मैं आया लखनऊ में तो मैंने सर्च किया सेकेंड हैंड मोबाइल, तो पंडित जी का मोबाइल सबसे फर्स्ट रैंक पर आया। मैंने बहुत सारे वीडियो इनके देखे तो मुझे लगा कि यहाँ के वीडियो आप लोग के बीच जरूर पहुँचना। क्या चाल है सर? बढ़िया जी, बताएं। मैं चाहूँगा प्रॉपर अपने फॉर्म का नाम और प्रॉपर एड्रेस क्या होने वाला है। देखिए एड्रेस हमारा चारबाग है, लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। जी लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन या चारबाग बस अड्डा। जी जी, आप यहाँ पे उतरेंगे, यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन है, मेट्रो के नीचे से कोई भी बैटरी वाले रिक्शे से बोलेंगे कि नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा चलना है। जी नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा या बांस मंडी चौराहा एकदम 500 मीटर पे है, चाहे पैदल आ जाइए, पैदल भी आ सकते हैं। हाँ बांस मंडी चौराहा याद रखिए, बांस मंडी चौराहा पहुंचेंगे तो पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी का पिलर नंबर 7 है और हमारा जो है ऑफिस का पिलर नंबर 13 है। पिलर नंबर 13 पे आपको बाईं तरफ पे तीसरे फ्लोर पे फ्लिपकार्ट का बोर्ड मिल जाने वाला है, सेकंड हैंड मोबाइल इन फ्लिपकार्ट। जी जी, और अगर आप गुरुद्वारा जाते हो तो गुरुद्वारा पिलर नंबर 17 है और हमारा ऑफिस पिलर नंबर 13 है, गुरुद्वारे की तरफ से हमारा राइट हैंड को तीसरे फ्लोर पे फ्लिपकार्ट का मिल जाएगा। मतलब कैसे पिलर नंबर 13 को टारगेट कर सकते हैं? पिलर नंबर 13 ओवरब्रिज जा रहा है, पिलर नंबर 13 पर हमारा ये ऑफिस है, फ्लिपकार्ट सेकंड हैंड मोबाइल के नाम से है, मदर एंड सन्स मेरा फर्म का नाम है। अच्छा जी, 8, 9, 2, 18 गुणे कर लीजिए 18 जी। इधर माल ये पूरा नया माल अभी फ्रेश रखा हुआ है, खुल नहीं सकता, ये माल है कस्टमर को क्यूसी होता है। अच्छा अच्छा, तो हमारा क्या है कि पैक टू पैक का सीन है। अच्छा, हम लोग माल पैक टू पैक बेचते हैं, हम बॉक्स टू बॉक्स देते हैं और हम VRP टू VRP भी देते हैं। अच्छा अच्छा, जो जिस रेट में दिल्ली में VRP चलती है सेम रेट पे। दूसरा क्या है कि अगर जो भी सिंगल फोन में लेना चाहे यूजर, सिंगल यूजर के लिए क्या होता है कि रिटेल में रेट एक्स्ट्रा लोगों के होते हैं, पर हम जिस सेम रेट पे जो हमारा कंप्यूटर एक्सेल बताता है, अच्छा, हम सेम रेट में सिंगल फोन को, अच्छा 5 फोन खरीदोगे तो उसका वो होलसेल रेट अलग होता है, सिंगल फोन को हम सेम रेट में बिल कर देंगे। अच्छा, सिंगल लोगों बंदा हमसे आता है यूट्यूब चैनल देख के दूर से आता है, इसलिए उनको इतना मैं बेनिफिट देता हूँ। एक तो आपको हम सिंगल फोन प्रोवाइड कर देंगे, दूसरा उसके साथ में हमारी तरफ से नेक बैंड भी चल रहा है, तो सिंगल फोन वालों के लिए एक नेक बैंड साथ में गिफ्ट मिलता है, जो भी सिंगल फोन यहाँ पर आके लेता है उसको हम नेक बैंड भी गिफ्ट देते हैं और भी होलसेल प्राइस में मिलने वाला है। ये भी सारा माल होलसेल प्राइस में मिलेगा और सिंगल फोनों के लिए ये मत समझिए कि उतनी दूर से हम किराया खर्चा कर गया है, तो फोन तो हम दे ही रहे हैं होलसेल रेट में, प्लस आपको एक गिफ्ट भी हमारे पास से अच्छा। मिलने वाला है। अच्छा, तो एक चीज ये तो निश्चित कर लीजिए, दूसरा हमारा खुद का भी एक अपना स्पेशल चैनल है जी। बाकी हमारे यूट्यूबर पर हमारी वीडियो आती ही रहती है जी जी। और हमारे खुद के चैनल पर जो मेरा मदर एंड सन्स के नाम से यूट्यूब चैनल है जो लखनऊ में चलता है जी जी, जिसको भी सब्सक्राइब करना हो या ज़्यादा लेटेस्ट वीडियो देखनी हो, रोज के रोज उस पर अपडेट आती रहती है। अच्छा अच्छा, तो जिसको भी चाहिए हो अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और डेली का डेली अपडेट लेता है जी। रही बात कैश ऑन डिलीवरी की, अभी मैं एक बात कैश ऑन डिलीवरी के लिए बताना चल रहा हूँ कि सबको जिसको भी चाहिए कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा, मगर हमारे यहाँ क्या होता है कैश ऑन डिलीवरी का एक छोटा सा अमाउंट हम लोग चार्ज करते हैं। पहले कई पार्सल हमने भेजे पैक करके यहाँ से, मेरा गया पार्सल और लौट के आ गया, वहाँ पर पार्टी ने रिसीव नहीं किया क्योंकि वो कहीं चले गए थे।
जी। अच्छा आप लोग खुद सोचिए कि ये पार्सल पैक होके जाएगा, एक बंदा मेरा पैक करेगा, आएगा और जाएगा, आने जाने में मेरा डबल भाड़ा कटता है भाई, वो तो मेरे अकाउंट से चला जाता है ना जी। इसीलिए एक अमाउंट है जो आपको पहले पेड करना होगा, मात्र 200 से 500 रुपए। अच्छा, कि जो आपको ज्यादा भी नहीं लगे। अगर आपको लगे कि हम अनलीगल हैं तो कृपया मुझे फोन ही ना करिए, डट लिया फोन करिए तो केवल ये समझ लीजिए कि उसमें चार्ज हैं, अन्यथा खुद आइए। लीगल है अनलीगल आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपका होलसेल रेट का तो क्या है, होलसेल की कोई डॉट लगी है जी। इन्वेंट्री चल रही है इस टाइम -1। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया चल रही है। अच्छा, तो हालांकि हम लोग रेट नहीं बताते। अच्छा अच्छा, और हमें रेट बताने भी नहीं चाहिए क्योंकि दूसरे लोग कॉपी करते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया किसी से रेट ले लीजिए, उसका लिस्ट ले लीजिए, वीआरपी लेनी वीआरपी में दूंगा सेम रेट पे, 1% का फर्क पड़े उनसे 1% कम दे दूंगा, पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको मेरे पास, चाहे दिल्ली में कहीं ले लीजिए, मेरे से लिए सेम रेट पे माल मिलेगा जी। जी, दिल्ली से सस्ता मिल जाएगा ना 100% दिल्ली से। पहली बात तो दिल्ली के रेट पे मिलना है आपको, दिल्ली जाने से बच के जी। दूसरी बात, उम्मीद है दिल्ली से सस्ता मिलेगा, और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता है जी। नए दुकानदार अगर कोई उनसे जुड़ना चाहें तो उनके लिए एक फैसिलिटी हम ये दे देते हैं कि आप जो है हमसे आए 10-12 फ़ोन ले गए, आपका नहीं बेच पाए एक महीने में, तो जो फ़ोन आप नहीं बेच पा रहे हो हम आपसे वो फ़ोन रिटर्न भी लेके उसके बदले दूसरा फ़ोन दे देंगे। ये भी ऑप्शन मिलने वाला है जी। मगर ऑप्शन ये है कि बारकोड नहीं मिटना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, एक ऑप्शन ये है, दो चीज़ें ध्यान ले लीजिएगा। एक तो वो उसी ग्रेड का फ़ोन मिलेगा, जैसे कि हमारा P1 है तो P1 मिलेगा, P2 है तो P2 मिलेगा, P3 है तो P3 मिलेगा, P4 है P4 मिलेगा। हमारे बहुत सारे व्यूअर P1 P2 P3 नहीं समझ पाएंगे जी, उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ 4-5 कैटेगरी चलती है, P1 P2 P3 P4 P5 जी। P5 सस्ते सस्ता होता है। अच्छा, मगर P5 के फ़ोन में कोई ना कोई इशू आएगा। अच्छा, ये फ़ोन है P5 में, यह है iPhone 12 Pro Max। अच्छा, कंपनी एकदम देखेंगे एकदम मिंट क्वालिटी का फ़ोन, एकदम फ्रेश है फ़ोन, चमक रहा है। अच्छा, कंपनी ने P4 में क्यों डाला है, P5 में, ये P5 में है, P4 में नहीं। अच्छा, P5 में है इसलिए डाला कंपनी ने, चूँकि इसमें मेल आईडी पड़ी हुई है। अच्छा, मेल आईडी पड़ी है, फ़ोन मात्र 24,500 का है। अच्छा अच्छा, मात्र 24, तो जो भी खोल सकता है या जो भी यूज़र इसको अनलॉक कर सकता है वो ले जाए। देखो P5 में कुछ ना कुछ कमी रहती है। अच्छा, के बाद आप P4 पे आ जाइए, P4 हमारा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फ़ोन होता है। अच्छा, हम उसको हमारे वीडियो में आप जब भी देखेंगे तो उसमें हम आपको हमेशा अपना P4 काला सोना बोलते हैं, काला सोना, गोल्डन, मतलब ओरिजिनल डिस्प्ले, अच्छे से अच्छा फ़ोन सलाह P4 में ही निकलता है। अच्छा अच्छा, P2 P3 तो महंगा ही होता है। मैं चाहूँगा जितने मोबाइल देख रहे हैं सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते चले। हाँ, आपको रेट स्टार्ट कर ले रहा हूँ, देखिए अपने पास ही निकल रहा है, जिस भाई को चाहिए, ये बहुत ही गेमिंग फोन होता है, बहुत खूबसूरत फोन होता है, इसको बोलते हैं ROG 3, ASUS का होता है। अच्छा, ये हमारे यहाँ निकल जाता है मात्र 22,000 रुपये का। अच्छा, ROG 3 कहीं भी आप देखेंगे ये फोन 30-40,000 से कम का नहीं होगा, पर अच्छा, ROG 3 हमारे में 22,000 का निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आप ये निकल जाएगा 12 mini है, मेरे में निकल रहा है 22,500 रुपये। अच्छा, ये iPhone 13 mini है, ये निकल रहा है 34,500 रुपये। अच्छा, ये iPhone 12 है जी, 12 निकल रहा है, 12 एकदम फर्स्ट क्वालिटी में है, P4 ग्रेड में निकल गया बाई मिस्टेक, चूँकि P4 में निकला इसलिए क्योंकि इसकी डिस्प्ले चेंज है। अच्छा, और फेस आईडी नॉट वर्किंग है, मात्र 26,500 का। अच्छा, नेम नेम कितना होता है सर ये जी? 55,000 का नया है। अच्छा अच्छा जी, हमारे पास नोट 20 निकल रहा है जी, सैमसंग का नोट 20, एकदम मिंट क्वालिटी का फ़ोन है। अच्छा अच्छा, बैटरी डाउन होनी चाहिए, ये हमारा P2 ग्रेड में है, ये निकल रहा है 21,500 रुपये का। 21,500, हाँ, ये आपका निकल रहा है वीवो V20 SE है जी। ये P4 ग्रेड में जाएगा तो लगभग 7,000 का पड़ेगा। अच्छा, और ये P2 में जाएगा तो 11,000 के आसपास का निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे Note 10 पे आ जाइए, ये Note 10 है, MI Note 10, ये P4 में जाएगा तो 5,900 होगा, और ये P2 या P3 में जाएगा तो लगभग 7-8,000 के बीच चला जाएगा। अच्छा अच्छा, पोको X2 आ जाइए, P4 में जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, P4 में भी सेम टू सेम कंडीशन निकलेगा, लग भाई चांस है कभी कभार कैमरा खराब निकल जाता है P4 में, P4 में 4200 का होगा, और P2 P3 में जाएगा तो ये 7,000 से 8,000 के बीच घूमेगा। अच्छा अच्छा, बराबर। उसके बाद आप आ जाइए, ये Note 10, ये MI 11 Lite 5G है, ये अपना P4 में आएगा 7,000 का,
पी टू में आ जाएगा तो ये 12,000 चला जाएगा, पी थ्री में 11-11.5 के आसपास जाएगा। अच्छा अच्छा जी, ये हमारा K20 है, ये आप देखिए यहाँ पर लिखा है MI K20 Pro, ये ओरिजिनल डिस्प्ले पे अगर निकल गया एकदम फ्रेश क्वालिटी में, ये ओरिजिनल डिस्प्ले पे है, एकदम फ्रेश निकलना है, कैमरा वर्किंग होता है, ये देखिए ओरिजिनल डिस्प्ले पे है। अगर स्क्रेच लगा है तो ये P4 में है, ये स्क्रेच है इसलिए P4 में है, P4 में निकलेगा 6,000 रुपये का। अच्छा। सब कुछ वर्किंग होगा। अगर ये P3 में निकलेगा तो ये 9,000 का हो जाएगा। अच्छा, बस गारंटी वारंटी कभी से नहीं आते हैं हमारे यहाँ, क्या सिंगल फ़ोन के लिए हम गारंटी ले लेते हैं। अच्छा, मगर गारंटी जिसको चाहिए होता है, वैसे तो कस्टमर गारंटी लेते ही नहीं, खराब ही नहीं निकलता। अच्छा अच्छा, पर किसी को गारंटी की रिक्वायरमेंट है ही, हमको गारंटी चाहिए, 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस है, गारंटी ले लो। देख सबसे बेहतरीन आपको ऑप्शन मिलने वाला कि 500 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए और गारंटी लीजिए। गारंटी देखिए क्या होता है कि जैसे अब एक फ़ोन की मार्केट वैल्यू है, मैंने आपको बता दिया, आप नोट 10 पे आ जाइए, हमारे यहाँ 7,000 का फ़ोन निकलेगा। सर मैं 7,000 का आपको एज इट इज़ फ़ोन पकड़ा दूंगा, मार्केट वैल्यू उसकी कम से कम 8,500 रुपये है। अच्छा अच्छा, आप मार्केट में कहीं कर दोगे 85 का पड़ेगा, 1,500 एक्स्ट्रा देके आओगे, वो गारंटी 3 दिन की 4 दिन की ले लेगा। अच्छा अच्छा, हम तो आपको 500 में गारंटी मांग रहे हैं ना जी। हमारे किसी भी फ़ोन पे आपको 2,000-3,000 रुपये से कम का रेट नहीं मिलने वाला प्रॉफिट। अच्छा अच्छा, तो आप 2,000-3,000 रुपये 2,500 रुपये कम हम होलसेल में माल दे रहे हैं जी। सर मेरा 500 हक बनता है, गारंटी मांगोगे तो बिल्कुल बिल्कुल गारंटी मत मांगिए मैम, 1 रुपये नहीं लूँगा जी, एज इट इज दूंगा, गिफ्ट तो साथ में दे ही रहा हूँ यार। अच्छा, आप डिब्बे में देखिए सारा माल लगा पड़ा हुआ है, जो भी फ़ोन खोलेंगे सब में माल लगा हुआ है। अच्छा, सेम टू सेम है, हर फोन अवेलेबल होता है, और ये माल हम खोल नहीं सकते। अच्छा, चूंकि ये सील बॉक्स होते हैं। अच्छा, ये कंपनी के आते हैं, जो भी डीलर खरीदता है, जैसे 4 बॉक्स 3 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स वो हमें देना होता है, अगर सील खोल देते हैं इसकी औकात खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा, फिर कोई डीलर लेता नहीं। अच्छा, हमने एक बॉक्स दो इधर लगा रखे हैं, कोई डीलर आता तो बॉक्स बॉक्स लेके जाता पूरा, बिल्कुल बॉक्स टू बॉक्स ऐसा है, पूरा टू पूरा बॉक्स होता है। अच्छा, हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, जरा मुझे चक्कू दो, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सील कहाँ लगी है? 64 कई वैरायटी होंगे ना मोबाइल? हाँ, इसे मिक्स माल होता है। मार्केट कैसे मेंशन करते हैं आप लोग? ये मॉडल लगे होते हैं, मॉडल लगे होते हैं। अच्छा, इसका मॉडल किसी लड़के ने निकाल दिया है। अच्छा, मॉडल पूरा लगे रहते हैं। हाँ, पूरा माल लगा होता है, अभी ये लड़कों ने इधर उधर किया। दोस्तों देख सकते हैं, बॉक्स बॉक्स पूरा भरा हुआ माल ये दुकान वाले लेके जाते हैं, जैसे गोरखपुर हो गया तो बोले दिल्ली के रेट में सीधा आपके यहाँ पे मिलने वाला है। मैं पहले ही क्लियर कर दिया, फिर से मैं बताना चाहूँ, बॉक्स का माल देखिए इतना इतना अपने गोरखपुर में ले जाकर साइज चार्ज हर मोबाइल पर 3,000-4,000 स्टार रख करके लोग सेल आउट करते हैं बराबर। और ये सारे फोन ऐसा नहीं, हर माल में हर फोन में माल पड़ा हुआ, यहाँ भी पूरा ये लगा पड़ा, उसकी बात नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम सब फोन पेटी नहीं खोल सकते। अच्छा अच्छा, सारा फोन अगर ये पेटी खुल जाती है इसकी औकात खत्म हो जाती है। अच्छा, कोई भी दुकानदार अब ये क्या, हमको सील पेटी चाहिए। अच्छा, सील ये लगा होता कंपनी का डायरेक्टली, ये फ्लिपकार्ट वाला सील करके देता हूँ ना। हाँ, ये कंपनी सील, अभी मैं काटने जा रहा हूँ तब ये सील कटेगी, देखिए अब यहाँ से सील कट जाएगी, फिर हम उसको चिपका थोड़ी पाएंगे। अच्छा अच्छा, सेम टू सेम, अब इसमें जो माल निकलेगा इसको हम ग्रेडिंग दिखाते हैं कैसे ग्रेडिंग होती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता, जब कंपनी में माल देती है तो हमें कंपनी इसका एक्सेल भी प्रोवाइड करती है। अच्छा अच्छा, उसी एक्सेल से हम इसका रेट जी, इसमें डिब्बे वाले इतना सारा भरा मोबाइल पूरा देखने को मिल रहा है। अब डायरेक्ट फ्लिपकार्ट की कंपनी से आता है, ऐसा नहीं कि कहीं दुकान से कहीं भी उठा ले, ऐसा कुछ सारे कंपनी से आता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, सब लोग को बता सकता हूँ, चाहे जो सिंगल फोन ले या हमारे से होलसेल में लेगा, देखिए आपको एक एक फोन का MI का बिल मिलने वाला है। सारे फोन की एक एक फोन की मैं EMI आपको बना के दूंगा, बिल बना के। अच्छा, कोई भी फोन सिक्योरिटी पर्पज मेरा है। अच्छा, कंपनी का है, एक फोन के लिए बिंदास होके बेचिए, चोरी चमारी का कोई डर नहीं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और मैं अब इनको रेट आपको बताने जा रहा हूँ, अब इनका रेट देखिए कैसे होने वाला है, आइए, चूंकि हमको भी नहीं पता होता क्या है जी। अब इस तरह तो आप सामने से कुछ फोन मैं उठा ले चल रहा हूँ, ऐसे बॉक्स में आते हैं, बिल्कुल ऐसे बॉक्स में भी आते हैं और खुले भी आते हैं। अब इनके मैं रेट आपको अपने कंप्यूटर में एक्सेल पे दिखाऊँ, दिल तरीके से मिलने वाला, और जो भी सिस्टम है सारा कंपनी के, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि लोग पर्सनली अपना कुछ करें, सारा कंपनी के हिसाब से हो रहा है। अब देखिए होता क्या है कि हमारी ये अभी ये पैक टू पैक का रेट मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये पैक टू पैक का रेट है, बात को समझने की कोशिश करें जी जी। जो भी देखे अब यहाँ पे ये देख रही है क्या रेट का निकल गया, ये देखो P3 में निकल रहा है MI Note 8। अच्छा, ये निकल गया 5,700 रुपये का, 5,700। इस धरती पर आपको कहीं भी 6,500 रुपये के नीचे नहीं मिलने वाला है। अच्छा, 9A MI 9A 3,200 रुपये का। अच्छा, डिब्बे में फ्रेश फोन है, आप नया कहिए तो इसको मैं खोल दिखा दूँ, खोल देना। विनय भाजी खोलना है फोन 9A, तो मैं दूसरा वो कर रहा हूँ स्कैन 9A, देख लिया मैं दिखवा दे रहा हूँ खोल के। और ये आ गया आपका 6A मात्र 2,100 रुपये का, 2150 का। ये पैक टू पैक का रेट है, देखिए इस तरह के फोन निकलते हैं हमारे, बिल्कुल नहीं होते जो पैक वाले हैं, बिल्कुल नहीं नहीं, सेकंड हैंड फोन है। अच्छा अच्छा, फ्रेश होंगे, टूटे भी निकलते हैं जी, ऐसा नहीं है, मतलब इसमें अगर हमने 10 फोन स्कैन करे तो 1-2 फोन का ग्लास वगैरह ब्रोकन निकलेगा। अभी देखिए मैंने 9A अभी आपको स्कैन किया था,
देखिए वहाँ से खुल के आया, देखिए पहले स्कैन कर चुका हूँ, नहीं नहीं 3250 रुपये का कंडीशन है कि क्या होनी होगी। फ्लिपकार्ट इस तरह माल देती है। अच्छा अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि P4 है तो ही ये डिब्बे में डालेंगे या P1 है तो ही डिब्बे डालेंगे। अरे ये लोग तो कभी कभी चार्जर भी डाल देते हैं, किस्मत है किसी किसी में निकल जाता है। ये देखो निकला, ये देखिए चार्जर P4 में। बिल्कुल अनजान हम भी थे, बिल्कुल अनजान हम भी नहीं पता और कोई चीज जानता नहीं था, लेकिन ये चार्जर सारा कुछ आपको मिल रहा है इस तरीके से। अरे निकलता कंपनी बेस पे आपको, बिल्कुल 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 ये आपको एच टाइप मिलने वाला है। जरूरी नहीं डिब्बे भैया P4 में है, और सेम यही काम दिल्ली वाले करते हैं। जाहिर सी बात जो हमारे पूर्वी क्षेत्र है, गोरखपुर हो गया, बिहार साइड हो गया, देवरिया हो गया, इधर से लोग आते दिल्ली जाते थे, तब कह सकते हैं अब जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होने वाली है। सेम टू सेम मिलने वाला है। अब ये देखिए 6 से निकला है जी, कंडीशन आप देख लीजिए, स्क्रैच है चूंकि। अब देखिए चार्जर भी दे दिया उन्होंने जी, मात्र 2100 रुपये फ़ोन है। होलसेलरों को क्या करना है, केवल बैक पैनल चेंज करना है। फ़ोन कहीं से टूटा नहीं है, डेड निकलता नहीं है जी। ये कंपनी की गारंटी होती है कि डेड नहीं निकलता, गारंटी लेती नहीं है कंपनी, लेकिन डेड नहीं निकलता। अच्छा अच्छा, चूंकि क्या है ये कमवाती ही है। अच्छा। एक कंपनी हर कस्टमर को, दुकानदार को अपने कमवाती है। अच्छा अच्छा, हाँ नुकसान कभी किसी का नहीं होने देती। आपको 6 से ले लीजिए, ये भी देखिए क्या रेट जा रहा है, P4 में जाएगा 2100 का। अगर ये P3 में चला गया भाई साहब, उस टाइम ये 3200-2800 का हो जाएगा। अच्छा हाँ, तब मत कहिएगा ये महंगा क्यों है। तो सर हमारा कस्टमर को आएगा तो आने के बाद रेट तो जंपिंग नहीं करेगा, यही रेट में मिलने वाला। देखिए ये पैक टू, फिर बोल रहा हूँ ये पैक टू पैक का रेट है, ये QC नहीं है। अच्छा, QC में थोड़ा रेट अप कर जाता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा रेट अप करेगा QC में। कोई दुकानदार आया कि मुझे पैक टू पैक चाहिए, उसने उठाया 10 फोन ले लिया, सेम रेट में बिल करूंगा। सेम रेट में करेंगे, बिल्कुल सेम रेट में बिल करूंगा। अच्छा, अच्छा। हमारा एक 3-4% होता है जो उनसे बोलूंगा कि भाई साहब सेम रेट में बिल हो जाएगा, लास्ट में 3% आपको देना है, 4% देना, ये चीज होगी बस। वो हमारी रेट पेमेंट के अनुसार होती है कि आदमी वो लाख का माल उठा रहा है, 50,000 का उठा रहा है या 2 लाख का उठा रहा है। जितना अमाउंट ज्यादा होगा परसेंटेज उतनी डाउन हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अब आ जाइए, अब ये है नोट 8 प्रो, अभी एक दिखाया था मैंने। देखिए एक नोट 8 प्रो निकल गया कितने का, नोट 8 निकला 5700 का, जबकि नोट 8 प्रो निकलना 4500 रुपये का। अच्छा, इतना डिफरेंस होता है कि अगर ये P3 गेट में जा रहा हो, ये P4 गेट में जा रहा है। अब आप खुद ही सोचो इसका रेट देख के कि सर इसमें कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। अब ये देखो, बिल्कुल ये देखो आपका निकल गया नोट 9 प्रो 5100 का। कमी क्या है, देखो कमी है, P4 है ना, टूटा भी निकलेगा ना, ये देखो टूटा भी निकलता है, ऐसा भी निकलेगा, कभी मत सोचना कि एकदम सब कंचा निकलेगा। मतलब अभी लेकिन सारे फ़ोन में एक फ़ोन टूटा निकला, अगर इतने फ़ोन सही निकल ले, एक टूटा निकला, टूटा क्या निकला, किसी के डिस्प्ले टूट, देखो ग्लास टूटा निकला है, ग्लास 200 भैया 50 रुपये दुकानदार जानते हैं, 50 रुपये ग्लास आता है और 100 रुपये बैक पैनल 150 का, बदल के आराम से फ़ोन की बिक्री है 9000 रुपया 8000 रुपया 5100 का भैया 9000 का कहीं नहीं गया है। अच्छा P4 में सारे थोड़ी टूटे निकलेंगे, एक P4 चलिए खोल दे रहा हूँ, ले लीजिए अभी P4 3800 रुपये का, नोट 7 प्रो 3850 रुपये मात्र। सर ये भी खोल दे रहा हूँ, एकदम ओके निकल गया। अब सारे थोड़ी मतलब 100 में 10 टूटे निकलते हैं, 20 टूटे निकलते हैं 100 में 20। अच्छा, अब ओके, बिल्कुल यूज करने लायक रहते हैं, बिल्कुल यूज करने लायक। तो ये तो कंपनी कभी डेट देती ही नहीं, बिल्कुल यूज करने लायक। अब जितने फोन को उतने फोन को दिखा दूंगा, टूटे केवल 1-2 ही निकलेंगे। अच्छा अच्छा भैया, अगर फोन टूटा निकला है तो इस तरह से P4 में टूटे और सस्ते निकलते हैं। अब ये देखो आपको 6 से तो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन ये देखो MI5 है, मात्र 1800 का निकल गया। ठीक है, आप रेट देख रहे हो, ये निकल गया 3200 का 6 प्रो, Redmi 6 Pro 64 GB होता है, 3200 रुपये का। ये भी 3250 का निकल रहा है, टूटा कुछ भी नहीं, टूटा कुछ भी नहीं, डिस्प्ले ओरिजिनल है, केवल यहाँ पर OCS सूखी है। अच्छा, OCS सूखी है, डिस्प्ले हर फोन हर चीज़ एकदम ओके है, और ये 32 GB निकल रहा है फ़ोन, ये 32 GB निकल रहा है, इसमें 64 भी आता है, 32 भी आता है। फोन यहाँ पर निकला है, P3 भी है, P3 बाकी P4 ही निकला है। हाँ, P4 ज़्यादा निकला है, मतलब पेटी में P4 ज़्यादा है, P4 P2 भी होता तो P2 निकलता है, P3 भी होता तो P3 भी निकलता है, निकलता है। एवरेज क्या होता है कि जब आप P4 हमसे मांगोगे, QC अगर आप QC करोगे तो P4 आपको केवल P4 नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर 4 P4 पर 1 P2 1 P3 आपको लेना ही पड़ेगा, ये नियम होता है। तो इस तरीके से देखेंगे इनके पास मोबाइल के इतना ज़्यादा स्टॉक है कि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे जैसे लगते हैं इस तरीके से भरा हुआ, ऐसा नहीं कि कोई कचड़ा है, बिल्कुल आपको मोबाइल फ्रेश मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको एक बॉक्स खोल के दिखाया ताकि आपको ट्रस्टेड हो चुके। तो इस तरीके से कह सकते हैं, फिर से मैं बताना चाहूँगा जो हमारे पूर्वी क्षेत्र के आपको देखिए बेनिफिट क्या मिलने वाला, मैं क्लियर कर दूँ। पहली बात तो जो दिल्ली वाला प्रोसेस लोग करते हैं सेम आपको लखनऊ मिलने वाला है। अब हमारे
बिहार के हो गए, देवरिया हो गया, चाहे गोरखपुर उस साइड के जो लोग आते हैं, अगर आप दिल्ली जाते हैं खरीदने के लिए तो आपका एक्सपेंस चार्ज बढ़ जाता है और रेट आपको सेम वही मिलने वाला, तो बेहतर दिल्ली का तो चलो ठीक है, पर हमारे यहाँ एक फैसिलिटी और मिलती है, जो डीलर 20 फोन एक बार में खरीदता है मेरे पास से आके, उसको हम एक साइड का किराया देते हैं, वो चाहे बंगाल से हो, अच्छा, चाहे बिहार से हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे गुजरात से हो, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के डीलर हैं, ज़्यादातर मेरे पास बंगाल साइड के डीलर ज़्यादा हैं जी, मतलब अगर परसेंटेज लिया जाएगा तो 80% बंगाल है हमारे पास जी, अपना लखनऊ क्षेत्र भी है, मतलब ऑल इंडिया है, पर यूपी साइड मेरा ज़्यादा है जी। पर आप एक साइड से आओगे 20 फोन पर सिंगल साइड का किराया मेरा होता है, और अगर 40 फोन ले लेते हो तो दोनों साइड का किराया मैं देता हूँ, किराए की आपको कोई टेंशन नहीं। हमारे व्यूअर हैं कुछ लोग बिल्कुल अनजान, अगर इस फील्ड से बिजनेस करना चाहते हैं तो मिनिमम कितना पूंजी लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर आदमी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है तो अगर 20-25 हज़ार उसके पास है, आया 4-6 फोन ले गया जी, बेचा फिर आया, तो 4 से 6 से 8 से 10 से 12 से मतलब बढ़ा सकते हैं, स्टार्टिंग 20-25 से आपका काम हो जाएगा जी जी। तो आप आओगे तो बिजनेस के बारे में पूछोगे, हम बता देंगे कैसे स्टार्टिंग करनी, क्या करना है, और हर चीज में ऐसा नहीं है, रबर सपोर्ट भी मिलने वाला है, सपोर्ट भी मिलने वाला है जी। और डायरेक्ट डीलर से मैं अपना बताना चाहूंगा कि कोई भी डीलर डायरेक्ट ना आए, एक बार हमसे रेट कार्ड मांग ले, अच्छा, अपने यहाँ बैठ के रेट देख ले, उसको रेट समझ में आए, रेट आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे ना? बिल्कुल, मैं व्हाट्सएप पे रेट भेजूंगा। मैं पहले दुकानदार से अपना विजिटिंग कार्ड मांगता हूँ उससे कि भैया अपना विजिटिंग कार्ड दे दो, क्योंकि आप डीलर ही हो कि कस्टमर हो जी जी, उसके बाद हम आपको रेट डाल देंगे। तो बेहतरीन ऑप्शन मिलने वाला है कि आप पहले रेट लिस्ट मंगा लीजिए, अगर हमारे भाई बिजनेस करने वाले हैं, दुकान वकान वाले हैं। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, जिनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपको वीडियो डिस्प्ले पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली यहाँ विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।